प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने महारथियों को टिकट देकर विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे दी है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इसी पर चुटकी लेते हुए अमित शाह और जेपी नड्डा को भी चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। देखिए अरुण यादव की बेबाकी पर एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव दिग्गज नेताओं में घमासान का बड़ा सीन लेकर आए हैं। बीजेपी की दूसरी टिकट सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस भी टिकटों को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भी इसे लेकर चुटकी ली। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी एमपी आकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। इसके साथ ही अरुण यादव बोले कि बीजेपी चाहे तो अपने सभी सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। भाजपा में जो हमारे उम्मीदवार बने हैं उनका सबका स्वागत है मध्य प्रदेश में, और अब उम्मीद करते हैं कि अब संघर्ष अच्छा होगा, और हम तो चाहते हैं कि और लोग भी आए उनके यहाँ से, सभी 29 सांसदों को चुनाव लड़वा दें। खट्टिक जी को भी लड़ना चाहिए यहाँ से, वो भी मंत्री हैं देश के, और अगर अमित शाह जी का भी मन कहीं से हो रहा हो तो उनका भी स्वागत करते हैं। नड्डा जी भी आना चाहे तो, और नड्डा जी चाहें तो उनको यहाँ से लड़ा देंगे, जो वाले जहाँ भी चाहें वहाँ से लड़ाएंगे, स्वागत है उनका। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महारथियों को विधानसभा चुनाव लड़ाकर पार्टी में एक नया संदेश देकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टिकटों को लेकर शुरू हुआ सियासत का यह सिलसिला कहां जाकर थमता है, और क्या कांग्रेस पार्टी भी अपने चेहरों को सामने लाकर चौंकाने वाले समीकरणों को हवा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।